नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 67 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। दुष्कर्म के वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस की, ग्रामीणों से हुई नोक झोंक। दो पक्षों के बीच हुआ पथराव, कई लोग हुए घायल। सीमित जांच किट होने के कारण तेजी से नहीं हो पा रहा है संदिग्धों का कोरोना जांच। अस्पताल कर्मियों ने कई मरीजों को किया वापिस। और विकास से कोशों दूर है कहलगांव अनुमंडल का बेलडिहा गांव। आजादी के बाद से नहीं बनी है पक्की सड़क। अब समाचार विस्तार से। पूरे विश्व के साथ भारत में भी कोरोना तेजी से अपना पांव पसारता जा रहा है। वहीं भागलपुर जिले में प्रतिदिन कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों में तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें कि प्रतिदिन बढ़ रहे संक्रमितों के आंकड़े लोगों की लापरवाही का सबूत दे रहे हैं। गुरुवार को 67 नए पॉजिटिव मरीज मिलने की पुष्टि होने के बाद शहरवासियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को गंभीरता से नहीं लेना और सरकारी एडवाइजरी को दरकिनार करना कहीं न कहीं भागलपुर वासियों को भारी पड़ रहा है। मंगलवार को 35, बुधवार को 50 और गुरुवार को 67 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद जिले में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इसके साथ ही मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। भागलपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 800 के पार जा चुकी है, जो जिले वासियों के लिए बेहद डरावनी बात है। स्वास्थ्य महकमे द्वारा हाथ खड़े कर देने के बाद कोरोना पर काबू पाना सिर्फ और सिर्फ जनता की समझदारी पर निर्भर करता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर 16 जुलाई तक शहरी क्षेत्र सहित कहलगांव और नवगछिया में सामूहिक गतिविधि पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि 16 जुलाई तक लागू किए गए लॉकडाउन में ई कॉमर्स, बैंक, सरकारी कार्यालय एवं स्वास्थ्य विभाग खुले रहेंगे। इसके अलावा निर्धारित समय सीमा तक राशन की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए गुरुवार को सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सिटी एसपी ने 10 थानों की पुलिस के साथ पूरे शहर का घूम कर जायजा लिया। सिटी एसपी एसके सरोज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे को हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस भयानक महामारी के संक्रमण से बचाव के लिए लागू किए गए लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो, इसको लेकर पूरे शहरी क्षेत्र का जायजा लिया गया। साथ ही लोगों को मास्क का उपयोग करने की हिदायत दी गई। लॉकडाउन में किसी प्रकार की कोताही ना हो, इसको लेकर सिटी एसपी ने लोहिया पुल, कचहरी चौक, तिलका मांझी चौक, स्टेशन चौक, मनाली चौक सहित विभिन्न चौक चौराहों पर जाकर शहरवासियों से सरकारी गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की। इस दौरान मटरगस्ती करने सड़कों पर निकले मनचलों को पुलिसकर्मियों ने सख्ती से सरकारी गाइडलाइंस का पाठ पढ़ाया। साथ ही सिटी एसपी ने कहा कि हर सार्वजनिक जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। मास्क का उपयोग नहीं करने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा और अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिले के वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ कई थाने की पुलिस शामिल थी। कोरोना को रोकने के लिए ये लगभग 7 दिन का आज से लेकर 16 तक ये लगाया गया है लॉकडाउन। अभी बाजार खुले हम लोग घूम ही रहे, देख रहे हैं कि पब्लिक आगे बढ़ के साथ दे रही है। कई बाजार दुकान बंद है, केवल आवश्यक सेवा जो है फल या सब्जी है या दुकान या मिक्सर है या दुकान राशन का खुला उसका अब भी नियत है। जो सब्जी फल किराना है वो सुबह में 6 से 10 खुलेगा और शाम को 4 से 7। हम सुबह भी घूमे थे, अभी भी घूम रहे हैं तो लगभग मैं तक काफ़ी लोगों का फल फल। भागलपुर नाथनगर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस बालू माफियाओं एवं अपराधियों से साठगांठ करने में व्यस्त है। ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द पंचायत के मोहम्मदपुर शीतला मंदिर के समीप की है, जहां बुधवार की शाम दो पक्षों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, साथ ही कई राउंड गोलियां भी चलाई गई। घटना में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही 3 थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझा कर मामला शांत कराया। दरअसल बुधवार को दुष्कर्म के 2 वारंटी काशी तांती और मन्नू तांती को पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची थी, जहां पुलिस ने काशी तांती को गिरफ्तार भी कर लिया था। पर काशी के परिजनों ने गांव के कई लोगों के साथ मिलकर पुलिस की गिरफ्त से काशी को आजाद करा लिया। पत्थरबाजी में घायल राजेश ने बताया कि आरोपियों ने कानून का साथ देने एवं पुलिस को सूचना देने के आरोप में
उसके एवं उसके परिजनों के साथ मारपीट की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यहाँ मेरा नानी घर है, मेरा इन ये सब मेरा गोतिया है, लेकिन इन सबसे अब हम सबको कोई लेना देना नहीं है। इसके ऊपर रेप केस हुआ है। किसके ऊपर? इन्हीं सबके ऊपर। कौन इन्हीं? काशी काशी रबिया पंकज मन्नू ताती। हाँ, काशी रबिया। तो आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? प्रशासन पकड़ लिया था काशी को, प्रशासन पकड़ लिया था, लेकिन ये सब इसका माँ सब इसको नया जल लेके जाने दिया। और ये सब इसकी माँ सब सब हम सब भड़क गया कि हम पुलिस बुलाएं, हम सब पुलिस बुलाएं। और जब ये सब मारने के लिए हमारे घर पाया तो ये सब डर के मारे पुलिस भाग गया। और पुलिस कुछ नहीं किया, देख भी लिया कुछ नहीं किया हम सबको। मेरा मामा कपार पर भंग गया, तभी वो सब मुंह छुपा के भाग गया पुलिस सब। मेरा पति ने कुट्टी करता था, बच्चा क्या हुआ था? कुट्टी करता था, वो दोनों में झगड़ा हुआ। वो जो भागा ना, किससे किससे झगड़ा हुआ? वो झगड़ा हुआ पंकज से और वो सोनू से, राजेश सिंह से। ये है पंकज सोनू राजेश, वो दोनों आपस पहले से हो रहा था, मेरा भाई था। हां, तो उसके झगड़ा होता है वो पानी का। आज सर जब उन पर केस था, तीन वो किसके ऊपर? मन्नू ताती, काशी ताती, सभी उन्हीं आरोपियों पर केस था। कौन केस था? केस किया था मां जानकी देवी से। कौन केस था? केस था उन पर दुष्कर्म का केस। हाँ, रेप का भी केस था सर। बगल में रेप किया था सर जी, उसका भी केस है। बहुत ये डकैत मतलब बहुत अत्याचार। तो उसके बाद क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज सर जब पुलिस उन पर कार्रवाई करने के लिए आया था, एक साल बीत गया, मतलब उस पर जब वारंट आया पकड़ने के लिए, तो उन लोगों ने सोचा, इन्हीं लोगों ने फोन करके बुलाया है। सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए लोगों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। ड्यूटी पर तैनात अस्पताल कर्मी मरीज के परिजनों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। गुरुवार की सुबह साहिबगंज से एक युवती अपनी मां का कोरोना जांच कराने सदर अस्पताल पहुंची, लेकिन अस्पताल कर्मियों ने जांच नहीं होने की बात कहकर युवती को वापस भेज दिया। इस दौरान युवती मनीषा ने बताया कि उसके पिता और बहन दोनों को कोरोना है, जिनका TTC स्थित कोविड सेंटर में इलाज चल रहा है। वहीं जब युवती मां की तबीयत खराब होने पर जांच कराने के लिए अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने जांच करने से साफ इनकार कर दिया। पूरे मामले को लेकर प्रभारी डॉक्टर KD मंडल ने बताया कि प्रतिदिन 50 लोगों का ही कोरोना जांच सदर अस्पताल में किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर ही अस्पताल को जांच किट उपलब्ध कराए जाते हैं और प्रतिदिन मिलने वाले जांच किट की संख्या के आधार पर ही मरीजों की जाँच की जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अस्पताल में जांच की सुविधा ही सीमित है तो कोरोना पर काबू कैसे पाया जा सकता है? मम्मी का तब से तबीयत खराब था, एक बस नॉर्मल साइन करना था और टेस्ट करवाना है, वो नहीं हो रहा है। मेरे पापा और मेरी दीदी ऑलरेडी क्वारंटीन में है यहाँ पे, तो हमको मम्मी का टेस्ट करवाना है ताकि पता चले पॉजिटिव है, फिर उसके बाद इलाज होगा साथ में। कहलगांव अनुमंडल के सनहौला प्रखंड स्थित बेलढिया गांव में आजादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों को पक्की सड़क की सुविधा नहीं मिल पाई है, जिस कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बरसात के मौसम में ग्रामीणों को घरों से बाहर निकलना दुर्लभ हो जाता है। सड़क के अभाव में कीचड़ वाले रास्ते से आने जाने के दौरान राहगीर दुर्घटना का भी शिकार हो जाते हैं। ग्रामीण शंभू पासवान और सुबोध पासवान ने बताया कि गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। सरकार के रवैये से नाराज ग्रामीणों ने कहा कि विकास के दौर में यह गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। वहीं पूरे मामले को लेकर जब मुखिया सुभाष चंद्र भगत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्राकरण तैयार हो गया है, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण टेंडर नहीं हो पा रहा है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
मन की उदासी, नस, सिर दर्द, हिस्टीरिया, पागलपन, मिर्गी, अनिंद्रा, सेक्स रोग एवं नशा जैसे पुरानी शराब, गांजा, भांग, ड्रग्स एवं किसी भी प्रकार के पुराने नशे के इलाज हेतु संपर्क करें भागलपुर स्थित आनंद क्लिनिक, जो कंसल्टेंट न्यूरोसाइकोट्रिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, डी एडिक्शन थेरेपिस्ट के मशहूर डॉक्टर ऋषि आनंद की देखरेख में किया जाता है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस अस्पताल में ईईजी, ईसीटी एवं एमबीटी के साथ साथ मरीजों के भर्ती हेतु 24 घंटे एसी, नॉन एसी, जनरल एवं स्पेशल वार्ड की सुविधाएं उपलब्ध है। आनंद क्लिनिक लाजपत पार्क, घंटाघर के उत्तर, मोक्षदा स्कूल के समीप, मशाकचक, भागलपुर, बिहार। लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे डॉक्टर शशिकर एमडी रेडियो डायग्नोसिस द्वारा संचालित लाइफलाइन सीटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे में अत्याधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के रेडियो डायग्नोसिस की सुविधा पिछले 8 साल से उपलब्ध है। भागलपुर का पहला डिजिटल 1.5 टेस्ला होल बॉडी एमआरआई स्कैन, मल्टी स्लाइस होल बॉडी सीटी स्कैन, अत्याधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन से 2D, 3D, 4D कलर डोपलर, अल्ट्रासाउंड गाइडेड पानी निकालना अथवा प्रेगनेंसी का लेवल 1 या लेवल 2 की जांच की सुविधा। डिजिटल एक्सरे से सामान्य एक्सरे के साथ साथ IVP, RGU, HSG की जांच। डिजिटल डेंटल एक्सरे से पूरे जबड़े का OPG। अत्याधुनिक पैथोलॉजी की व्यवस्था, खून, पेशाब आदि जांच के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं। हवादार प्रतीक्षालय एवं शुद्ध पेयजल की व्यवस्था। कोरोना संक्रमण के प्रति सचेत व सुरक्षित व्यवस्था। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे का रिपोर्ट सभी बड़े अस्पतालों व डॉक्टरों द्वारा मान्य है। लाइफलाइन सिटी स्कैन एंड डिजिटल एक्सरे। क्या आपको कान, नाक या गले में कोई समस्या है? जैसे कान बहना, सुनने में परेशानी, कान में दर्द, गले की खराश, गले में दर्द, थायराइड, नाक का मांस बढ़ना या एलर्जी इत्यादि है, तो समस्या के निदान हेतु आपके शहर में विश्व स्तरीय अस्पताल एडवांस ENT हॉस्पिटल, जिसमें अति आधुनिक उपकरणों द्वारा उपचार डॉक्टर HI फारूक की देखरेख में किया जाता है। डिजिटल एक्सरे एवं कंप्लीट ऑडियोलॉजिकल प्रोफाइल की व्यवस्था, साउंड प्रूफ परिवेश में बेरा, ऑटो एकॉस्टिक इमिशन, टेम्पोनोमेट्री जांच की जाती है। और हाँ, एक दिन के बच्चे की भी सुनाई का आकलन किया जा सकता है। बिना तार वाली कान के अंदर लगने वाली सूक्ष्म देसी विदेशी सुनाई की मशीन भी उपलब्ध है। विदेशी मशीनों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर तथा पेशेंट के रहने के लिए AC, नॉन AC जनरल वार्ड उपलब्ध है। चंपा नाला पुल के निकट, चंपा नगर, भागलपुर। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर के जगदीशपुर में अवैध बालू का कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। बालू माफियाओं द्वारा प्रतिदिन प्रतिबंधित बालू घाटों से अवैध खनन किया जा रहा है, जिसे रोकने में जगदीशपुर पुलिस विफल है, या कहें तो पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से अवैध बालू खनन का कारोबार फल फूल रहा है। बुधवार की रात बालू माफियाओं ने प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय परिसर में प्रतिबंधित घाटों से उठाए गए बालू को अवैध रूप से डंप कर दिया, जिसके कारण विद्यालय आने वाले शिक्षकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्कूल परिसर में अवैध बालू डंप को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है। हम आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व अवैध बालू उठाव की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर बालू माफिया बजरंगी यादव के सहयोगियों ने पथराव कर दिया था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। साथ ही पुलिस जीप भी क्षतिग्रस्त हो गई थी। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक बालू माफिया बजरंगी यादव पुलिस की पकड़ से काफी दूर है। शहर में बाइक चोरी की घटनाएं काफी बढ़ गई है। गुरुवार को चोरी की बाइक के साथ स्थानीय लोगों ने एक चोर को दबोच लिया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। पकड़े गए चोर की पहचान ललमटिया थाना क्षेत्र के रामतुल्लापुर निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई है। दरअसल मंगलवार की शाम राजेश कुमार नामक युवक की बाइक महंत बाबा स्थान के समीप से चोरी हो गई थी, जिसकी काफी खोजबीन करने के बाद भी बाइक का कोई पता नहीं चल पाया। बाइक के मालिक राजेश ने बताया कि बुधवार को उसने अपनी मोटरसाइकिल पर दो लड़के को जाते देखा, जिसके बाद उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों की मदद से चोर को दबोच लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया।
फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए चोर को जेल में भेज दिया और कागजी प्रक्रिया पूरी कर बरामद मोटरसाइकिल उसके मालिक को सौंप दिया है। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी प्रमुख पार्टी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसी को लेकर राजद प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में शहर के व्यवसायी संदीप वंका को व्यवसायिक प्रकोष्ठ का प्रदेश महासचिव मनोनीत किया गया है। राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणविजय साहू ने संदीप वंका को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का निर्देश दिया है। साथ ही पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलने की बात कही है। संदीप वंका के मनोनयन पर शहर के व्यवसायी सहित राजद कार्यकर्ताओं ने खुशी व्यक्त की है। एक तरफ जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अमरपुर रेफरल अस्पताल में प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान के तहत भीड़ जुटाई जा रही है। कार्यक्रम में काफी संख्या में गर्भवती महिलाएं मौजूद थी, जहां अधिकारियों के द्वारा योजनाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी दी गई। अस्पताल प्रभारी ने बताया कि प्रत्येक माह की 9 तारीख को मातृ दिवस मनाया जाता है, जिसमें सुरक्षित प्रसव के लिए गर्भवती महिलाओं को प्रसव से पूर्व होने वाले जांच की जानकारी दी जाती है। लेकिन इन सबसे अनजान अधिकारी भीड़ इकट्ठी कर खुलेआम कोरोना को दावत दे रहे हैं, जो समाज के लिए काफी डर की बात है। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले में तेजी से बढ़ रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। 67 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद लोगों में दहशत का माहौल। लॉकडाउन को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए सिटी एसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च। बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील। दुष्कर्म के वारंटी को पकड़ने पहुंची पुलिस की, ग्रामीणों से हुई नोकझोंक। दो पक्षों के बीच हुआ पथराव, कई लोग हुए घायल। सीमित जांच किट होने के कारण तेजी से नहीं हो पा रहा है संदिग्धों का कोरोना जांच। अस्पताल कर्मियों ने कई मरीजों को किया वापिस। और विकास से कोसों दूर है कहलगांव अनुमंडल का बेलडिहा गांव। आजादी के बाद से नहीं बनी है पक्की सड़क। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।